पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव में मिली जीत के बाद तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा भाजपा कार्यकर्ताओं पर किए जा रहे कातिलाना हमलों से सदर भाजपा उग्र हो गई है। सदर भाजपा ने इसके विरोध में सदर विधायक सुभाष ठाकुर की अगुवाई में बिलासपुर मुख्यालय में सांकेतिक प्रदर्शन किया तथा पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग को लेकर डीसी बिलासपुर रोहित जम्वाल के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन प्रेषित किया। ज्ञापन में कहा गया कि सत्ता के नशे में मदहोश होकर तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता भाजपा कार्यकर्ताओं पर कातिलाना हमले कर रहे हैं। अभी तक पश्चिम बंगाल में तृणमूल के कार्यकर्ताओं द्वारा भाजपा के 140 कार्यकर्ताओं की हत्या की जा चुकी है। ज्ञापन में कहा गया है कि लोकतंत्र में ऐसा पहली बार हो रहा है। ज्ञापन में कहा गया है कि ये सब तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्षा ममता बनर्जी के इशारे पर हो रहा है। पश्चिम बंगाल जल रहा है और ममता चुप्पी साधे बैठी हैं। ज्ञापन में पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा की जा रही भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्याओं की सीबीआई जांच करवाने की मांग की गई है तथा पश्चिम बंगाल की कानून व्यवस्था का जिम्मा सुरक्षा बलों को सौंपा जाए ताकि लोगों की जान माल की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। ज्ञापन में तृणमूल कांग्रेस द्वारा मारे गए भाजपा कार्यकर्ताओं के आश्रितों को मुआवजा दिए जाने का आग्रह भी किया गया है। सदर विधायक सुभाष ठाकुर ने कहा कि पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा मौत का तांडव किया जा रहा है और ममता बनर्जी चुप बैठी हैं, जिससे सिद्ध हो रहा है कि ये सब ममता बनर्जी के इशारे पर ही तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस ने भले ही धर्म जातिवाद जैसे घटिया हथकंडों से सत्ता हासिल कर ली है, लेकिन नंदीग्राम की जनता ने ममता बनर्जी को हराकर उनका घमंड तोड़ दिया है। इससे पहले भाजपा कार्यकर्ताओं ने शहीद स्मारक से लेकर डीसी कार्यालय तक एक विरोध रैली निकाली तथा इस दौरान ममता बनर्जी व तृणमूल कांग्रेस के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की। बिलासपुर सदर ने आज जो वेस्ट बंगाल में हिंसा का तांडव हो रहा है और जो लोकतंत्र की हत्या हो रही है, उसके विरोध में हम महामहिम राष्ट्रपति जी को जिलाधीश बिलासपुर के माध्यम से हम आज यहां से मेमोरेंडम दे रहे हैं, क्योंकि यह भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं है और लोकतंत्र शासन प्रणाली का सबसे अच्छा शासन का एक शासन तंत्र और शासन करना की सरकार लोकतंत्र की सरकार को सबसे अच्छा माना गया है। जिस तरह से 2 मई को वेस्ट बंगाल के चुनाव हुए और चुनाव के तुरंत बाद तृणमूल कांग्रेस को वहां से विजय मिली, हम विजय की बधाई देते हैं, लेकिन वहां पर भारतीय जनता पार्टी की भी जीत हुई है और भारतीय जनता पार्टी ने अन्य प्रदेशों में भी कई प्रदेश हैं जहाँ पर जीत हासिल की है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जिस सभ्यता से सौम्यता से इन सभी चीज़ों को लोकतंत्र में अपनाया भी है और एक उसको अपने कार्यकर्ताओं को उस दृष्टि से हमने एजुकेट भी किया है, इसी तरह से वेस्ट बंगाल में जो तांडव हो रहा है उसके बाद 14 भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की निर्मम हत्या तृणमूल ने की है, हम उसकी भर्त्सना करते हैं, निंदा करते हैं कि यह ममता बनर्जी की जो सरकार है या हिंसा के ऊपर चल रही है। मैं यह कहना चाहूँगा कि जिस तरह से वेस्ट बंगाल में तृणमूल कांग्रेस जीती है, लेकिन अपने आप ममता बनर्जी का जो घमंड था उसको वेस्ट बंगाल की जनता ने नंदीग्राम में उसको हरा के उसको तोड़ा गया है और आम जन जो हिंसा का शिकार बन रहा है उसके ऊपर हम महामहिम से कहना चाहेंगे कि वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। यह हिमाचल प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बिलासपुर की भारतीय जनता पार्टी से हम मांग करते हैं ताकि उनके जान माल की रक्षा हो सके और वहाँ पर इसके तुरंत बाद सीबीआई के साथ की इंक्वायरी होनी चाहिए और जिन जिन लोगों के साथ या तांडव हुआ है या खून की होली खेली गई है उनको आर्थिक दृष्टि से भी और उनको सामाजिक दृष्टि से भी सुरक्षा मुहैया कराई जाए, यह मैं कहना चाहूँगा। और आज हम माननीय जिलाधीश महोदय के माध्यम से या महामहिम को आज यहाँ से स्लोगन के माध्यम से भी और ये कोविड का सारा जो वो नियमों के तहत हम आज यहाँ पर हमने टोकन धरना दिया है, यही हम यहाँ से महामहिम जी को
जिलाधीश महोदय के माध्यम से यह हम देंगे। और अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि लोकतंत्र में इन सब चीज़ों का कोई स्थान नहीं है, और यह सारी जो जितनी भी हिंसाएं हो रही हैं यह ममता बनर्जी द्वारा प्रायोजित हो रही हैं। इस गृह मंत्रालय ने भी बंगाल के जो होम सेक्रेटरी हैं उनसे वहाँ की स्थिति के लिए की रिपोर्ट मांगी गई है। मैं यही कहना चाहूँगा कि वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगे और हमारे जो हमारे सुरक्षा बल हैं उनके माध्यम से वहाँ पर आम व्यक्ति की जान माल की रक्षा की जाए और लोकतंत्र के हथियारों का और लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। हम उसकी भर्त्सना करते हैं और राष्ट्रपति की मांग करते हैं।